सो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने ले रखे हैं 10 जीके के क्वेश्चन। ठीक है, ये है जीके इन हिंदी। यहाँ पर हम बात करेंगे बेसिकली साइंस के क्वेश्चंस की, तो आरआरबी ग्रुप डी के लिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ अगर आप एसएससी एसएससी सीजीएल किसी का भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि जहाँ पर जीके पूछी जाती है वहाँ पर साइंस के क्वेश्चन भी ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन है, तो इन 10 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि आपको इन 10 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे जो पुराने स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखते हैं वो, तो लास्ट में कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो लाइक बटन पर भी क्लिक ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है मस्तिष्क, दूसरा ऑप्शन है फ्लिया, तीसरा ऑप्शन है यकृत और चौथा ऑप्शन है गुर्दा। ठीक है, चार ऑप्शन है, क्वेश्चन मैंने पढ़ के सुना दिया है आपको कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। ऑप्शन है मस्तिष्क, फ्लिया, यकृत, गुर्दा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने सही आंसर दे दिया होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि फ्लिया। फ्लिया में ही जो है, जो रुधिर के जो टूटे फूटे कण होते हैं या उसमें जो हानिकारक तत्व होते हैं उनका भक्षण होता है। ठीक है, वही वो नष्ट होते हैं फ्लिया में। ठीक है, तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान कहा जाता है वो कहा जाता है फ्लिया को। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ग का रक्त सर्वात्रिक रक्तदाता होता है, यानी कि कौन सा जो वर्ग का जो रक्त होता है, ठीक है, वो सभी को रक्त दे सकता है। ठीक है, यानी कि सभी को डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो कौन से ग्रुप का वो ब्लड है। ठीक है, तो ऑप्शन ए वाला है ए, ऑप्शन बी वाला है बी, ऑप्शन सी है ए बी और ऑप्शन डी है ओ। ठीक है, तो हमको ये बताना है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन साफ साफ है कि रक्तदाता, सर्वात्रिक रक्तदाता किसे कहते हैं, यानी कि वो कौन सा ग्रुप है जो सभी को रक्त दे सकता है। ठीक है, तो आपने अपना आंसर बता दिया होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि ओ। ठीक है, ओ जो है एंटीजन नहीं होता है ओ में। ठीक है, इसीलिए जो है ये सर्वात्रिक रक्तदाता होता है, यानी कि ये किसी को भी रक्त दे सकता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, मानव त्वचा का त्वचा को रंग कौन से वर्णक द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है मेलानिन, ऑप्शन बी है केराटिन, ऑप्शन सी है केसिन और ऑप्शन डी है सेरोटोनिन। ठीक है, तो आप अपना आंसर बताएं कौन सा है जो त्वचा को रंग देता है, वो कौन सा वर्णक है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ई, मेलानिन से जो है त्वचा को रंग प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है। ठीक है, किसमें संक्रमण हो जाता है जिसके कारण पीलिया रोग होता है। ऑप्शन ए है मस्तिष्क, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है गुर्दा और ऑप्शन डी है छोटी आंत। ठीक है, तो आपको बताना है अपना आंसर, कौन सा आंसर होगा इसका। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यकृत। ठीक है, उसके बाद पांचवा है हमारा, वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा कितनी होती है। ठीक है, ऑप्शन ए है 2.5 लीटर, ऑप्शन बी है 4 लीटर, ऑप्शन सी है 5 लीटर, ऑप्शन डी है 7 लीटर। ठीक है, तो जिसका सही आंसर है वो है, आप बताएं कौन सा है। तो आपने बता दिया होगा अपना आंसर, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 5 लीटर। ठीक है, वयस्क मानव में जो रुधिर की मात्रा होती है वो होती है 5 लीटर। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं। ऑप्शन ए है सूक्ष्म जीव, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन डी है विटामिन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, लास्ट टाइम में भी ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेपर हुआ था उस वक्त भी ये पूछा गया था कि एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम जो होते हैं वो होते हैं ऑप्शन बी, यानी कि प्रोटीन। ठीक है, एंजाइम जो है वो प्रोटीन होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7th है, विटामिन सी का एक अन्य नाम क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए है एब्जॉर्बिक एसिड, ऑप्शन बी है एमिना एसिड, ऑप्शन सी है पायरोडॉक्सिन और ऑप्शन डी है थायमीन। ठीक है,
तो चार ऑप्शन हो गए। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा कि विटामिन सी का एक अन्य नाम क्या है, तो अपना आंसर आप बताएं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, एब्जॉर्बिक एसिड। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए है बेरीबेरी, ऑप्शन बी है स्कर्वी, ऑप्शन सी है रिकेट्स और ऑप्शन डी है रक्तदाह। ठीक है, तो आप बताएं अपना आंसर कौन सा है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से होता है रोग बेरीबेरी। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन ए सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। ऑप्शन ए है स्टेपस, ऑप्शन बी है फीमर, ऑप्शन सी है हाथ की हड्डी और ऑप्शन डी है गर्दन की हड्डी। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, फीमर। ठीक है, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वो है फीमर। 10वां क्वेश्चन है, शिशु लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र योगदान पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए है माता, ऑप्शन बी है पिता, ऑप्शन सी है माता तथा पिता और ऑप्शन डी है दादा। तो आप बताएं आपका आंसर कौन सा है, शिशु लिंग का निर्धारण जो होता है माँ के गर्भ में वो किसके गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि पिता। शिशु लिंग का निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्रों पे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 10 क्वेश्चन, आप कमेंट करके मुझे बताएं आपने कितने नंबर पाए हैं। ठीक है, 6 से ऊपर अगर आपके नंबर हैं तो आप अच्छे स्टेज पे हैं, आपको जो है प्रिपरेशन अपनी और मजबूत करनी चाहिए। ठीक है, और थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।